नमस्कार दोस्तों, मैं मोटिवेशनल स्पीकर मोहनपुरी आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुजरात के केस स्टडी बारे में। गुजरात क्यों है अपने देश में सब राज्यों से अलग, क्या है इसकी विशेषताएं और क्या इसमें खास बात है, उसके बारे में हम बातें करते हैं। आखिर क्यों पहचान अलग है गुजरात की सारे देश में, तो कुछ मोटी मोटी बातें आपसे करेंगे। मान के चलो भी देश का एक चौथाई एक्सपोर्ट अकेला गुजरात में होता है, और जो कॉटन का व्यापार है वो अकेले गुजरात सारे देश में एक्सपोर्ट कर रहा है और दूसरे कंट्री में भी एक्सपोर्ट कर रहा है। अकेले गुजरात में दूध का एक चौथाई भाग अकेले गुजरात सारे देश को प्रोड्यूस कर रहा है, और भारत के जितने बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, कारोबारी हैं, उनमें से लगभग सारे भारत को मिलाकर 70% सारे गुजरात के व्यापारी हैं। उनके नाम जैसे मुकेश अंबानी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी, अजीज प्रेम जी, लक्ष्मी निवास मित्तल, दिलीप संघवी और कुमार बिड़ला, गौतम अंडानी, करसन पटेल, सावंजी ढोलकिया, विष्णु पटेल, ये बड़ी शख्सियत हैं और भी काफ़ी हैं। तो ये क्यों अपने देश में अन्य राज्यों के लोगों से अलग है, इनकी एक खासियत होती है वो बचपन में ही एक बात सोचते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं भी जीवन में कुछ मोटो करवो हो, उनकी भाषा में ये बातें होती है भी जीवन में कुछ मोटा करो और जीवन में कुछ मोटू रिशक ले बच्चे, उनकी जो भाषा होती है उसी भाषा में बातें करते हुए जीवन में बड़ा करना है तो कुछ रिस्क लेना पड़ेगा, तो वो मोटा धंधा करते हैं और रिस्क भी लेते हैं, और उनकी ये सोच नहीं होती कि हम किसी पढ़ लिख कर कोई छोटी मोटी नौकरी कर लें या किसी मैनेजर लग जाएं। उनकी सोच, उनकी थिंकिंग ये होती है भी खुद का व्यापार करें और उस व्यापार में पैसा लगाकर उस व्यापार को नेक्स्ट लेवल पर ऊंचा उठाएं, उन्हें कामयाबी मिलती है। और आज आप देख रहे हो जैसे मुकेश अंबानी ने आज देश पे कब्जा किया हुआ है नेटवर्क के जरिए, और जितने भी बड़े ग्रुप हैं उद्योगपति कारोबारी है उनका व्यवसाय आप पूरे देश में भी देख रहे हो। जो भी उनके चेयरमैन हैं वो सारे लगभग गुजरात से ही हैं। देश के अंदर जितनी भी कारखाने हैं जैसे टाटा नैनो पहले भारत में आई तो गुजरात ने, सभी राज्यों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, गुजरात ने एक्सेप्ट करके उसको जगह दी और उसको ऊंचा उठाया, और आज गुजरात के लोग उसको काफ़ी काम भी मिला है। तो गुजरात के लोग बुद्धि से सोचते हैं, अपने पूरा फोकस करते हैं, अपने ऊपर जमा नहीं करते, वो दिमाग के इस हिस्से में पैसा लगाते हैं, दिमाग के इस नीचे वाले हिस्से में पैसा नहीं लगाते। आप समझ गए होंगे क्योंकि मैं जिस बात को कह रहा हूँ, आम लोग अपने बुद्धि पर ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करते, वो अपने ऐशो आराम पर, खाने पीने पर और ज़िंदगी के जो ऐशो आराम है उस पे फोकस रखते हैं, वो उसी में पैसा लगाते हैं। पर गुजराती दिमाग की इसी से में पैसा लगाता है, सोचने में, कुछ नया करने में दिन रात सोचता रहता है भी क्या करें जिससे जीवन में कुछ मोटा करें, उनका नाम हो, बिजनेस मोटा हो। तो ऐसा
जिंदगी में नाम होते हैं, जैसे नाम मतलब मजा और जमा। गुजराती नाम एक है जैसे मजा और जमा, मजा नहीं करता है, जमा करता है। तो मेरी यही अपील है कि आप नेट पर लगभग हर चीज़ देखते हो, कॉमेडी और भी काफ़ी चीज़ें हैं। लगभग मैं भी कई दिनों से देख रहा हूँ तो कि अलग अलग स्टेट से युवा हैं, कॉमेडी चैनल बना रहे हैं, कॉमेडियाँ कर रहे हैं। ये जैसे बिग्गू वीडियो आ गया, उस पर कॉमेडियाँ दे रहे हैं। पर आप एक बात नोट करना भी, गुजरात की आईडी का लड़का या लड़की कोई भी ऐसी बिग्गू वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि उन्हें पता है ये सब मनोरंजन का साधन है, तो इससे कुछ नहीं होगा, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो अपना पूरा फोकस सिर्फ तो सिर्फ अपने जीवन में ऊंचा उठने के लिए क्या करना चाहिए, क्या स्टडी करनी चाहिए, कैसे बिजनेस को आगे लाना चाहिए, उसी पे फोकस रखता है। तो मेरी यही अपील है भी, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप नेट पर गुजरात के बारे में सर्च करोगे और हमारे यूट्यूब पर विवेक बिंद्रा का चैनल है, उस पर आप उनकी वीडियो देखो। गुजरात के बारे में काफ़ी उन्होंने समझाया है, तो आप समझ भी जाओगे, आप भी उनकी तरह वॉच करो और गुजरात के से कुछ सीखो देश में कुछ आगे बढ़ने के लिए, ना कि आप कॉमेडी चैनल देखो और बिग्गू वीडियो बनाओ। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ बिग्गू वीडियो पर इतना बुरा हाल है, बच्चों से लेकर बूढ़े जवान, लड़कियां, बूढ़ी औरतें, सारे बस वीडियो बना रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, उसमें क्या है, कुछ नहीं है। तो देश के लिए कुछ सोचा, मोटा सोचो, मोटा करो। मैं भी हरियाणा से हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि अपने देश का नाम, देश में हरियाणा का नाम भी आए, यहाँ से बड़े उद्योगपति, बड़े कारोबारी, बड़े बिजनेसमैन, बड़े डॉक्टर, बड़े इंजीनियर पैदा हो, और हरियाणा का नाम भी देश के, जैसे गुजरात का नाम लिया जाता है उसी तरह हरियाणा का नाम भी आ गया है, अन्य राज्यों का भी नाम आ गया है। तो इसी कामना के साथ मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।